ओम महागणेशाय नमः गंगरपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ देखिए फिर अपने चर्चा आगे बढ़ाने के लिए। मैं चर्चा क्या कर रहा था, मैं आने वाले सप्ताह 28 अगस्त से 3 सितंबर तक वाले सप्ताह को आपकी राशि यानी मेष राशि से मीन राशि तक की भविष्य फल की चर्चा कर रहा हूँ। साप्ताहिक राशिफल, तो साप्ताहिक राशिफल 28 अगस्त से 3 सितंबर तक वो चर्चा करते करते अब मैं अगली राशि यानी तीसरी राशि पे आ गया, मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि की मैं चर्चा करूँ उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को जब पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश जरूर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मित्रों माता को मानने वालों जय माता दी लिखिए, माता का आशीर्वाद मिलेगा। हनुमान जी को मानने वाले ओम हम हनुमते नमः लिखिए, भगवान हनुमान का आशीर्वाद पाइए। जिसको भगवान शिव को मानने वाले ओम नमः शिवाय लिखिए, भगवान शिव का आशीर्वाद पाइए। आशुतोष ऑर्डर दानी, बिना सोचे समझे चाय जो उनसे मिल जाता है। जिसको भी आप मानते हैं उसका जय जयकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। और कुछ नहीं है तो माँ गणेशाय नमः, विघ्नहर्ता हर काम के शुभ में पूजा करने वाले जिनकी पूजा होती हो ऐसे भगवान गणेश को याद करिए, उनको नमन करिए और भगवान गणेश का आशीर्वाद दीजिए। तो मित्रों अब देखिए मैं चर्चा करता हूँ मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ग्रह गोचर कैसा है, देखिए लग्न में मिथुन राशि है, दूसरे भाव में चौथी राशि जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, काल पुरुष की कुंडली के शुक्र धन के मालिक हैं दूसरे भाव के और दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। तो धन के मालिक धन के भाव में चंद्रमा की राशि में कर्क राशि में, तीसरे भाव में पंचम राशि सिंह राशि है जहाँ सूर्य बुध बैठे हुए हैं, चौथे भाव में कन्या राशि में मंगल बैठे हुए हैं, पांचवें भाव में तुला राशि में केतु हैं, छठवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, आठवीं राशि है स्कॉर्पियो, सातवें भाव में धनु राशि है, आठवें भाव में मकर राशि है जो कि बकरी शनि से समर्थित, बकरी शनि से पालित पोषित राशि है कि बकरी शनि जो है नवम भाव में बैठे हुए हैं जो पिछली राशि को सपोर्ट कर रहे हैं यानी उनकी अपनी खुद की राशि है। तो और देखिए दसवें भाव में बारहवीं राशि मीन राशि है, कोई ग्रह नहीं है, ग्यारहवें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं निष्क्रिय राहु के साथ मेष राशि में, और बारहवें भाव में वृषभ राशि है। ये ग्रह गोचर रहा, इस सप्ताह चंद्रमा अपनी यात्रा शुरू करेंगे मकर राशि से, कहाँ से, आठवें भाव से, और 28 अगस्त को यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे और 1 सितंबर को लाभ भाव में मेष राशि में होंगे। तो सप्ताह के अंत में 1, 2, 3 सितंबर तक वहीं रहेंगे लाभ भाव में। तो ये रहा ग्रह गोचर और चंद्रमा की स्थिति सप्ताह के प्रारंभ से सप्ताह के अंत तक। तो मिथुन राशि वालों आपके स्वामी बुध सूर्य के साथ थर्ड भाव में जातक को परिश्रम तो बहुत ही कराएंगे, परिश्रम करना पड़ेगा। तो जितना परिश्रम करोगे फिर उतना ही लाभ मिलेगा। परिश्रम करने वाले से शनि भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो भागदौड़ तो करनी पड़ेगी, भागदौड़ लगी रहेगी, छोटी मोटी यात्रा लगी रहेगी, उनसे आपको लाभ मिलेगा। धन भाव में कर्क राशि में शुक्र बैठे हुए हैं, ऐश्वर्य कारक शुक्र, धन कारक देने वाले शुक्र, तो धन तो देंगे ही देंगे, धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और सुख भाव में भूमि पुत्र मंगल भी कैसे पीछे रह सकते हैं, फिर सुख भाव में मंगल बैठे हैं, मंगल का भूमि पुत्र मंगल है वो चतुर्थ भाव सुख का यानी भूमि भवन भवन का गाड़ी बंगला का देने वाला, सुख स्थान सुख साधनों का देने वाला, तो सुख साधनों में मंगल खुद बैठे हुए हैं। मंगल वहाँ बैठ करके सुख साधनों की वृद्धि करेंगे। मंगल की राशि देखिए वृश्चिक छठे भाव में है और मंगल की स्थिति चौथे भाव में बहुत अच्छी है, तो बीमारियों में लाभ मिलेगा। छठे भाव में मंगल की राशि होने से आपको छोटी मोटी मौसमी बीमारी हो जाए लेकिन कोई बड़ी बीमारी पुरानी बीमारी तो भाग जाएगी,
कार्य क्षेत्र से देखिए धन की आमदनी होगी। टेंथ में मीन राशि है और बृहस्पति का लाभ भाव में बैठना, तो बृहस्पति लाभ भाव में बैठ करके लाभ होगा। कहाँ से लाभ होगा? जब कर्म क्षेत्र में जो तरक्की होगी कुछ काम में, तो काम में यानी मीन राशि है तो जातक व्यापार में अपनी नौकरी में कहीं तरक्की पाएगा, मेहनत करेगा, काम करेगा तो लाभ मिलेगा। तो जाहिर है बृहस्पति की राशि काम कराएगी, कार्य क्षेत्र में लाभ कराएगी तो पैसा आएगा। और यहाँ पर देखिए कर्म क्षेत्र में सप्ताह के अंत में 1-2-3 सितंबर को चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो चंद्रमा भी जो है मानसिक शांति प्रदान करेंगे। और चंद्रमा सुख स्थान को देखेंगे सप्ताह के अंत में, मंगल को देखेंगे भूमि पुत्र को, तो चंद्रमा भी जो है माता का स्वास्थ्य अच्छा करेंगे। माता को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा, माता का स्वास्थ्य अच्छा करेंगे और सुख साधनों की वृद्धि करेंगे। देखिए लाभ में बैठना बृहस्पति का, धन की कोई कमी नहीं होने देंगे क्योंकि बृहस्पति धन देने वाले हैं। और बृहस्पति देखिए धन भाव में शुक्र बैठे, धन भाव में दैत्य गुरु और लाभ भाव में देवगुरु, वही वाह, दोनों गुरुओं की कृपा मिल रही है। किसको? मिथुन राशि वाले को। दैत्य गुरु शुक्र धन भाव से धन की बारिश कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठकर लाभ लाभ दे रहे हैं, क्या मतलब पैसा दे रहे हैं। तो दोनों गुरु की कृपा मिथुन राशि वालों को मिल रही है। तो गुरु और शुक्र का दोनों का लाभ भाव में और धन भाव में बैठ करके मिथुन राशि के जीवन में 4 चांद लगा रहे हैं भाई। रोगों पर खर्च की कमी आएगी, धन की आमदनी अच्छी होगी। और देखिए बृहस्पति लाभ भाव से धनुराशि पर दृष्टि सप्तम भाव में व्यापार में तरक्की दे रहे हैं, और लाभ में दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और प्रेम बढ़ेगा। और क्या चाहिए भाई आपको, सब कुछ तो मिल रहा है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा भाग्य भाव में, वो अंतिम दिनों में शुक्र शनि को टेंथ में चंद्रमा अचानक ही कार्य क्षेत्र में सम्मान दिलाएंगे, धन दिलाएंगे, धन और धन की वृद्धि कराएंगे। तो मैं तो समझता हूँ ये भी मिथुन राशि भी जो है बुध की राशि है, तो भगवान गणेश की राशि है। भगवान गणेश का ओम बुद्धाय नमः जपें या ओम गंग गणपते नमः जपें, और बुद्ध का उपाय करें, सबसे आसान होता है गाय को हरा चारा खिलाना, तो और सुख पाएंगे। मित्रों ये मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह मैं तो समझता हूँ काफ़ी अच्छा है, सब तरह से अच्छा है। धन धान्य पूर्ण जीवन और पैसा खूब, क्यों? दोनों गुरु शुक्र जो है दैत्य गुरु धन भाव से और देवगुरु ज्ञान में लाभ भाव से, तो लाभ भी पैसा ही होता है मित्रों। तो लाभ ही लाभ का मतलब पैसा ही पैसा, और धन भाव में शुक्र धन ही धन, धन के तो मालिक हैं वो। तो भाई मिथुन राशि की तो बल्ले बल्ले है मित्रों। मित्रों अब मैं यहाँ विराम लूँगा, अगली राशि की चर्चा करूँगा जब आगे आऊँगा। तो मित्रों नमस्कार।